एक राजा होता है। अच्छा। राजा के दो मंत्री होते हैं, एक को लगता है कि पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है और दूसरे को लगता है कि बुद्धि होनी जरूरी है। अच्छा। बुद्धि से आप पैसा कमा सकते हो। तो दोनों का डिस्कशन होता है तो उसका कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता है और जाते राजा के पास और राजा भी मंदिर से क्या मानता है कि पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है, बिना पैसे आदमी नहीं कमा सकता। तो जैसे गया तो राजा ने बोला चलो ठीक है तुम दोनों को 6-6 महीने का टाइम देता हूं, अपना अपना मैं हुनर मुझे दिखाओ। तो जिसने बोला था पैसा उसको 5 लाख असरफिया दिया और उसको भेज दिया कि तू 6 महीने के बाद कमा के ले आना। इसको बोला कि अब तू बोलता बुद्धि से कमाता हूं, इसको ले जाके घोड़ों का जो अस्तबल होता है ना उसमें डाल दिया। कहां डाला? अब घोड़ों के अस्तबल में बैठा था। राजा के पास 2100 घोड़े थे, ठीक है 2100 घोड़े थे ना। तो राजा का बोले तो राजा वो ये बेटा जहां गया ना मंत्री जी ये रोज घोड़े की जो लीद होती है ना वो रोज सूंघने लगा। अरे वो लोग जितने भी थे ना वो देख रहे कि मंत्री जी ये सब क्या कर रहे हैं। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 1 सप्ताह बीत गया, उससे रहा नहीं गया कि सर आप क्या कर रहे हो कि देखो बॉस ये घोड़े की लीद सूख रहा हो तो मुझे देख रहा कि घोड़े बहुत कमजोर हो रहे हैं। अच्छा। राजा जो आपको दाल वगैरह जो देता है ना आप लोग सब चंपत कर देते हो और उनको सब साल घोड़े को घास खिला रहे हो और इसकी मैं रिपोर्ट अभी देने वाला हूं। तो ये रिपोर्ट देने पर अभी आपके साथ क्या गुजरेगी आप देखो। अब वो सब आया कि नहीं नहीं यार आप छोड़ो यार जैसे बात को अपने को समेटो, हम 2100 लोग हैं आपको 2100000 रुपया देते हैं, हमारा ये चैप्टर इधर क्लोज करो, हमने कई सालों से इसमें पैसा कमाया। वो 2 महीने बाद जाके राजा को दे देता कि ये लो 2100000 रुपया। राजा देखता रह गया यार साला इसको घोड़े के अस्तबल में रखा वहां भी इसने पैसे कमा लिए। फिर भी राजा को विश्वास नहीं होता कि ठीक है एक बार कमाया होगा। अब एक काम कर तू समुद्र के किनारे जा और वहां पे जाके लहरें गिन। क्या गिना? वहां पे जाके तू लहरें गिन, मैं भी मान लू कि तू पैसे कैसे कमाता है। वो वहां जाके खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया। उस राजा का बहुत बड़ा पोर्ट था, हजारों शिप रोज आती थी। अब वो जो भी शिप आए रोज देखे तो 7-10 दिन बाद वो शिप वाला आए कि सर आप रोज क्या देख रहे हो? तो कि मुझे आप लोगों की बहुत बड़ी कंप्लेंट करनी है। बोले क्यों? बोले राजा ने मुझे बोला कि आपका जो भी शिप जो भी यहां आती है तो कोई भी लहर टूट नहीं दी चाहिए और आपकी शिप आती है तो लहरें टूट रही है तो ये कोई मामला जम नहीं रहा है। तो अभी बहुत बड़ी कंप्लेंट होने वाली है, अभी मुझे मालूम नहीं। वो फॉरेन से सब शिप आती थी, उन्होंने बोला भैया तुम 1 करोड़ रुपया ले लो पर हमारा ये मैटर सब इधर ही दबा दो। वो उनसे 1 करोड़ रुपया लिया और राजा के पास ले जाके बोला ये ले पैसा। राजा बोला साला ये आदमी है क्या, क्या है इसका दिमाग क्या चल रहा है? पर राजा का अभी भी मानना था कि पैसे से ही पैसा कमाया जाता। वो तीसरी बार बोलता अभी एक काम करो तुम रात के ये सितारे गिनो। अभी वो रात के सितारे गिनने लगा, सितारे गिनने लगा तो जो भी वो थोड़े दिनों बाद जो पैसे वालों की जो बस्तियां थी जहां हाई राइज बिल्डिंग थी लंबी लंबी बड़ी बड़ी हवेलियां थी वहां जाके रात को घूमे इधर उधर इधर उधर। बोले कि भाई सब सेठ लोग नीचे उतरे कि सर आप क्या प्रॉब्लम क्या आप क्यों घूम रहे हो? कि मुझे यार बड़ी तकलीफ हो रही है कि आपकी जो ये है ना हवेलियां टूटने के मुझे क्या यार उन्होंने काम सौंपा है कि तुम सितारे गिनो और आपकी हवेलियां बीच में आ रही है और अबे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ये सभी हवेलियां टूटने वाली है और तो मुझे रोना आ रहा है। अब वो जितने पैसे वाले थे सभी इकट्ठे हुए कि यार इसका कुछ रास्ता निकालो तो उन्होंने 10 करोड़ रुपया दिया कि आप हमारा बात छिपा के रखो और बोल देना सितारे दिख रहे हैं हमारी हाई राइज नहीं टूटनी चाहिए। वो ले जाके 10 करोड़ को राजा मान गया कि जिसके पास बुद्धि है ना उसको पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके पास है ना उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। आप अपनी बुद्धि लगाइए, पैसे की कोई कमी नहीं है।